खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महंगाई राहत कैंप को लेकर चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे सीएम अशोक गहलोत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने, आप भी जरा देखिए। चित्तौड़गढ़ में भी सभा को संबोधित किया है, जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ रहा है सभाओं में, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं तो पहले कह चुका हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर लोगों ने मन बना लिया इस बार सगा रिपीट करनी है। ये तो 10 हमारा महंगाई राहत का कैंप है, उसके अलावा भी जो हमने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए किया है, नौकरी लगा रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा छात्रवृत्ति दे रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं, अनुपति योजना में 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, मतलब हर काम जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ की वर्तमान पीढ़ी पे कर रहे हैं। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें साधा बन रही हैं, और ये महंगाई और बेरोजगारी बहुत भयंकर है, ये हमारे लिए विशेष फोकस का विषय है, तो हम लोग लगे उस काम के, इसलिए मूड लोगों का बना हुआ लगता मुझे इस प्रकार। महंगाई राहत शिविर जो लग रहे हैं उस पर बीजेपी तंज कसती है कि ये काम तो अपन पहले भी कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते हैं, शिविर क्यों सकते ना? ये अनुभव बताता है कि 25-30% लोगों को तो पता ही लगते नहीं है कि स्कीम आई है, अभी भी नहीं लग रहा। जो आए हैं कैंपों में, एक स्कीम को लेकर लेना आने आए हैं, एक स्कीम ले आए हैं और 5 स्कीमों का लाभ उनको मिल रहा है। ये आप नहीं देखें इंटरव्यू, वो खुद ही बोलते हैं हम तो सब एक के लिए आए थे, पता ही नहीं हमें दूसरी कहाँ के एलिजिबल हम लोग हैं। अब कंप्यूटर कर दिया हमने, एक व्यक्ति आएगा अपने कार्ड जमा कराएगा तो कंप्यूटर बताएगा आप 6 के लिए, 5 के लिए, 8 के लिए आप एलिजिबल हैं, तो 100% लोगों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं, निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिल रही है। और दूसरा, उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये योजना है हमारी, निश्चित तौर पर योजना का जो लाभ है, शिविर में आने से ही लोगों को पता चल रहा है कि कौन कौन सी योजना है और योजना का लाभ हम लोग शिविर में दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता मन बना चुकी है और सरकार रिपीट करेगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।